नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। जी हाँ, बात अतीत की ही हो गई है लाल बत्ती की, क्योंकि इतिहास के पन्नों में ही पढ़ा जाएगा कि हाँ, जो अधिकारी थे, जो मंत्री थे, वो कभी अपनी गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर घुमा करते थे, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, इसलिए ये इतिहास के पन्नों में अब दर्ज हो गया। तो केंद्र की तरफ से एक फैसला लिया गया और इस फैसले के बाद ये कहा गया कि लाल बत्ती यानी कि शान की सवारी से लाल बत्ती अब दूर नजर आएगी। लेकिन इससे कहीं ना कहीं मंत्रियों का जो लाल बत्ती प्रेम है, या कहा जाए कि विधायकों का, नेताओं का लाल बत्ती प्रेम कैसे दूर हो पाएगा, जरा रिपोर्ट देखिए। वीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर मोदी कैबिनेट के फैसले ने पूरे देश को एक अलग दिशा दी है, जिसमें केंद्र सरकार के लाल बत्ती इस्तेमाल न करने के फैसले का असर हरियाणा के साथ साथ अलग अलग राज्यों में देखने को मिला। इसके चलते प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों ने अपनी गाड़ी से खुद लाल बत्ती उतारी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने अपनी गाड़ी से लाल बत्ती उतरवाई। वहीं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और टोहाना से विधायक सुभाष बराला ने भी अपनी गाड़ी से लाल बत्ती उतारकर पीएम के फैसले की सराहना की। वहीं वित्त मंत्री ने भी अपनी गाड़ी से लाल बत्ती उतारकर इस फैसले का स्वागत किया। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस फैसले से आम लोगों और वीआईपी के बीच की दूरी को कम करने के लिए ये कदम कारगर साबित होगा। ये देश के लोकतंत्र को मजबूत करने वाला एक अभूतपूर्व और असाधारण फैसला भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपने स्तर पर पूरी कैबिनेट को साथ लेकर के किया है। देश के 125 करोड़ लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सरकार लोकतंत्र कैसे मजबूत हो लगातार निर्णय कर रही है। देखिए, कल देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में एक फैसला लिया है कि वीआईपी कल्चर को ख़त्म करते हुए सब नेता अपनी अपनी गाड़ियों से बत्तियां, चाहे वो लाल बत्ती है या फिर पीली बत्ती है, उसको हटाने का काम करेंगे। और आज मैंने अपनी गाड़ी से बत्ती हटाई है और अपने सभी नेता कार्यकर्ताओं को, जिनके गाड़ियों के ऊपर बत्तियाँ हैं, उनको ये संदेश दिया है कि वो भी देश के प्रधानमंत्री जी का जो फैसला है, मंत्रिमंडल का फैसला है, उसका स्वागत करते हुए अपनी अपनी बत्तियों को अपनी गाड़ियों से हटाएं, क्योंकि एक बहुत स्वागत योग्य फैसला देश के प्रधानमंत्री ने किया है कि एक वीआईपी कल्चर धीरे धीरे समाप्त हो। सरकार ने एक फैसला लिया है, अच्छा फैसला लिया है, और हमने तो फैसला सुनते ही अपनी गाड़ियों से उतार दी लाल बत्ती। अब सरकार ने सोच समझ के लिया फैसला, फर्क तो पड़ेगा ही। सरकार ने पहल शुरू कर दी है और फैसला सुप्रीम कोर्ट का हमारे हक में आ चुका हुआ है। अब तो खाली सरकारों के ऊपर ये दायित्व है कि ये नहर खोदे और शांतिपूर्वक तरीके से खुद जाए, उसके तौर तरीके और रास्ते निकालने के लिए आज की मीटिंग रखी गई। सरकार का एक ये बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है, और मैं तो ये कहूँगी कि जिस तरह से एक नोटबंदी का जो ऐतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसी तरह का ये भी फैसला है, क्योंकि इसके लिए भी बहुत हिम्मत की जरूरत थी, और निश्चित रूप से मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 मई से अधिकारियों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और जजों को भी अपनी कारों से लाल बत्ती हटानी होगी और सिर्फ आपातकालीन वाहनों को नीली बत्ती के इस्तेमाल की अनुमति होगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो रौप और रुतबे की पहचान लाल बत्ती अब मंत्रियों की शान की सवारी पर दिखाई नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, बेशक अब ये फैसला ले लिया गया है और माननीयों की तरफ से लाल बत्ती खुद उतारी जा रही है, लेकिन कुछ समय पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री इस लाल बत्ती की ज़रूरत महसूस करते थे। दो बयान आपको हम सुनवाते हैं, एक पहले का बयान और एक आज का बयान, और इन दोनों ही बयान आपस में एक दूसरे को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, जरा देखिए आप। इस प्रकार के कल्चर को लोगों की असुविधा का एक विषय न बनाया जाए, और जितना उसमें सादगी से रहा जाए, उन सब बातों को चाहे कोई भी करे उसका मैं स्वागत करता हूँ, और ये करने के लिए कोई कहने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं की प्रेरणा से ही सारा कुछ होता है, या एक दूसरे को देख करके कोई प्रेरणा मिलती है, कोई उनको कोई इस विषय पर आगे चलने के लिए कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं होता, ये स्वयं की बात होती है, स्वयं प्रेरणा से करते हैं, अच्छा लगता है, करना चाहिए। देखिए, अब देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, तो निश्चित रूप से हमको देश के प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान के ऊपर खरा उतरना, और मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी आवश्यकता भी नहीं होती है कि लाल बत्ती से ही कोई हमारा गाड़ी हमारी चलेगी तो किसी को पता लगेगा, उसके अलावा भी हम जिसका जो दायित्व होता है, जिम्मेवारी होती है, उसकी सब। तो ये कुछ
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि दो बयानों के जरिए हमने अंतर दिखा दिया, समय बदला, लेकिन समय के साथ साथ कुछ बयान भी बदल जाते हैं। लाल बत्ती की कहानी अब अतीत के पन्नों में दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस कहानी के पीछे, क्योंकि इससे पहले 2014 में दिल्ली सरकार ने मंत्रियों की गाड़ी से लाल बत्ती हटवाई और इसको लेकर एक निर्देश गाइडलाइंस भी सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे मंत्री रहे हैं जो कि इस लाल बत्ती का लगातार उपयोग करते आए, क्योंकि ये माना जाता है कि लाल बत्ती विधायकों मंत्रियों के लिए एक शान की सवारी मानी जाती है। शान की सवारी पर लाल बत्ती उनके लिए एक रौब और रुतबे की बात उसके साथ जुड़ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर भी इसको लेकर वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने को लेकर एक कदम उठाया गया और उसके बाद अब केंद्र की तरफ से भी इसको लेकर एक कदम उठाने की बात की जा रही है। जी हाँ, उसके साथ साथ आज कुछ सवाल हम आपके सामने नहीं रख रहे, बल्कि आज हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ बातें आपके सामने रख रहे हैं कि 1 मई से लाल बत्ती के वीआईपी बोध से भारत मुक्त हो जाएगा। सोचिए थोड़ा, चौंकिए थोड़ा, भारत वीआईपी कल्चर, भारत छोड़ो, इस तरह की बातें अब सामने आने लगी हैं। इसके साथ साथ लाल बत्ती हटने से क्या समानता आ जाएगी, जिसकी बात की जा रही है कि चलिए ठीक है, रास्ते में सड़क पर आपको समानता नजर आए, लाल बत्ती ऑफ लेकिन रसूख तो ऑन ही रहेगा, क्या रसूख भी ऑफ हो जाएगा? लाल बत्ती बंद होने से सत्ता की जो लाट साहिबी है वो भी क्या बंद हो जाएगी? ये चंद ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम अपनी चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पहले दिल्ली, फिर पंजाब और अब पूरा देश इस लाल बत्ती से मुक्त होने के लिए जा रहा है। लेकिन सवाल कई हैं कि क्या लाल बत्ती के हट जाने से, माननीयों के द्वारा खुद लाल बत्ती के उतारे जाने से उनका जो रसूख है, उनका जो रौब है, वो ख़त्म हो जाएगा क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली में 2014 और फिर 17 जो अभी इलेक्शन हुए हैं उसके बाद पंजाब सरकार ने भी एक अहम फैसला लिया है इसको हटाने को लेकर के। और सायरन की जहाँ तक बात है तो दिल्ली मोटर वाहन के नियम 1993 के अनुसार सिर्फ इमरजेंसी वाहन जैसे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस कंट्रोल रूम की वैन में लाल बत्ती के साथ सायरन लग सकता है। वीआईपी के पायलट गाड़ी पर भी सायरन लगाया जा सकता है, लेकिन अब इन तमाम चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। तो ये बहुत सारी स्थिति हैं, उनको हम यहाँ दिखाने की, समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ये एक ऐसे जो स्थिति है जिसके ज़रिए नए जो नियम हैं उसके ज़रिए क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, उसको समझने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। लेकिन हम आपको एक और भी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। ग्राफिक्स के ज़रिए आपको ये भी दिखाते हैं कि यदि ये लाल बत्ती पर रोक लग गई है तो उसके बाद रौब रुतबा क्या कायम रहेगा, क्योंकि घरेलू खर्च, कपड़े धुलाई, नौकर आज भी वीआईपी को अलग अलग तरीकों से उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। वीआईपी की सुरक्षा के लिए औसतन 17 जवानों को हमेशा तैनात रहना पड़ता है और देश में बड़ी सूची उन वीआईपी लोगों की है जिन्हें एयरपोर्ट जैसी स्थानों पर उनका सुरक्षा के पैमानों को साइड में रख दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है, उनके चेकिंग नहीं होती है। सरकार वीआईपी लोगों को मुफ्त घर के साथ साथ उसकी मेंटेनेंस का खर्चा भी देती है और जनप्रतिनिधियों को संसद और विधानसभा में सस्ती दरों पर सरकारी कैंटीनों में खाना मिलता है जिसका भुगतान भी सरकार को ही करना होता है। तो आखिर सवाल ये भी है कि लाल बत्ती खत्म करने से, लाल बत्ती गाड़ियों से हटवाने से क्या और भी जो तमाम तरीके की जो सुविधाएं माननीयों को दी जा रही हैं क्या उस पर भी रोक लगाई जाएगी? ये बेहद एक अहम सवाल है, क्योंकि आम जनता को इससे बहुत ज़्यादा शायद ही फर्क पड़ता हो कि गाड़ी में लाल बत्ती है या नहीं, लेकिन समानता की जब बात सामने आती है, इस तरह के जो पहलू जिसका जिक्र अभी शुभेंदु ने किया, अगर उन पर समानता लाई जाए तो खास बात बनेगी। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़े हुए हैं। महिपाल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वीरेंद्र वशिष्ठ साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए, स्वागत है सर आपका। और सत्यप्रकाश जरावता जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले जो बयान हम लोगों ने सीएम का दिखाया था, जरावता जी अब तो मजबूरी है कि भाई अब दिल्ली से बात है तो फिर अब कुछ कर नहीं सकते, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और अब इसकी तारीफ भी में भी कसीदे गढ़े जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल एक स्वागत योग्य कदम है और इससे वास्तव में ये तो बहुत पहले ही मेरे ख्याल से इस तरह की कल्चर की शुरुआत होनी नहीं चाहिए थी। जिस तरह की कल्चर की शुरुआत हुई देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, एक बहुत बड़ा डिफरेंस सा आ गया था लाल बत्ती के उस कल्चर के और सामान्य नागरिक में। तो इससे एक बहुत बड़ा मैसेज और एक बहुत बड़ा संदेश आम लोगों के बीच में गया है और इसका फायदा यह होगा कि जो सामान्य रोड पर भी आप देखिए कितने, जब आप क्रॉस करते हैं पीछे से आपको
रोटर बजाती हुई लाल बत्ती की गाड़ी निकलती है तो कहीं ना कहीं असुविधा होती है, आपका ध्यान कंसंट्रेशन ड्राइविंग से हटता है और भी बहुत सारी जगह पे। नहीं सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, ये जो दो अंतर, सीधा सा एक सवाल था साकेत जी ने, सीधा सा सवाल किया है कि अंतर मुख्यमंत्री के बयानों के अंदर, पहले बयान अलग उसके उसके बाद अलग, क्या ये मोदी जी का इंपैक्ट है? देखिए स्वेच्छा की बात उनका कहीं नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जब आपने पूछा 27 मार्च को, उसी बात को मैं कोट कर रहा हूँ, तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वेच्छा की बात है और इसमें आज भी हमने जिस तरह देश में 1 मई से कानून बना, हमने आज ही प्रदेश के अंदर कोई कानून हमने बनाया नहीं स्वेच्छा से, आज माननीय मुख्यमंत्री हो, पंजाब सरकार की तरफ से पहल कर दी गई, हरियाणा सरकार की तरफ से भी कर देनी चाहिए, कानून भी नहीं बनाया अभी, हमने स्वेच्छा से कर दिया, जिन लोगों ने किया वो तो कानून बना के कर रहे हैं, हमने तो हरियाणा कानून भी नहीं, उससे पहले स्वेच्छा से वॉलंटरी रूप से, ये एक बहुत बड़ा और स्वागत योग्य कदम है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन लोग आजादी के बाद सत्ता में आए, ये इसको हम तो बल्कि वीआईपी कल्चर नहीं, एक किस्म से कांग्रेस कल्चर था, क्योंकि उन्हीं के द्वारा शुरू किया, वही देश में राज करते थे, तो उन्हीं का ही एक ये प्रोपगंडा था आम लोगों से दूर रहने का, अपने आप को वीआईपी दिखाने का। वीरेंद्र जी, शुभेंदु जी, मैं बड़े ही अदब से एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े ही प्यार से इन्होंने कहा कि ये एक का कल्चर था, शायद मैं अपनी कैप्टन साहब की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब से उन्होंने चालू किया कि ये इस प्रकार का नहीं होगा। और सत्यप्रकाश जी को मैं बता दूं, जो प्रधानमंत्री भारत की कैबिनेट ने नोटिफिकेशन किया है वो मैंडेटरी है थ्रू आउट इंडिया, कोई आपके लिए भी कानून है, एक मई से, आज आपको 2.5 साल लगे कि ये पता लगाने में कि ये कल्चर गलत है, आप खुद 2.5 साल से सत्ता में, आप चलो नहीं, आपके लिए मैं बता दूं, आप सुनिए, आप सुनिए, आपने सत्य प्रकाश जी, माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन जी, 3 साल कही, हाँ नहीं मैं हरियाणा की और भारत की 3 साल जिसको, अब ये आज आपने हमारी सरकारों की वजह से, मैं श्रेय की बात नहीं कहूंगा, मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2014 में पहले इसको लागू किया और हम पंजाब में आए, हमने पंजाब में इसको लागू किया, तो आप उससे डर के, क्योंकि आज समय के साथ स्थितियां चेंज होती हैं, हम परिवर्तन में विश्वास करते हैं और आज की परिवर्तन की ये मांग है, आप सुनिए, आप केवल आप ये सुनिए, और उसका जो परिवर्तन उसका प्रयोग जो किया जाता था, ठीक है, आप सुनिए, परिवर्तन का समय के परिवर्तन बात हमने एक्सेप्ट कर लिया, 3 साल लगे जरावता जी, 1 सेकंड, आप एक एक करके आराम से चर्चा को बढ़ाते हैं, जरावता जी ऐसे काउंटर मत कीजिए, आप सुनिए। और दूसरा बात, इस पे पहले से काम चल रहा था, देश के पूर्व प्रधानमंत्री 10 साल, मैं अभिनंदन करूंगा और धन्यवाद करूंगा जिस आदमी ने सर्वप्रथम इस व्यवस्था को लागू किया, 10 साल कभी उन्होंने लाल बत्ती की गाड़ी का प्रयोग नहीं किया, जो आज प्रधानमंत्री कर रहे, 3 साल का गैप हो गया, तो इसलिए प्रकाश जी आप इनमें ना जाइए, और आज हम सबको अभिनंदन करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए, और चीजें लाल फीता शाही, अभी लाल लाल हटा है, फीता भी हटाना और शाही भी हटानी है, हाँ, और वो आपसे नहीं, हमने शुरुआत की है, आप उसको पंजाब से, महिपाल जी से एक सवाल, ठीक है ठीक है, महिपाल जी एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप क्या मानते हैं, कितना फर्क हम जैसे आप जैसे लोगों को जिनका सरोकार नहीं है इन लाल बत्ती से, कितना फर्क हम लोगों को पड़ता है इससे? देखिए संकेत जी, दो चीजें हैं इसमें, पहली बात तो लाल बत्ती का हटना, दूसरा है वीआईपी कल्चर का हटना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अकेला लाल बत्ती सिंबॉलिक सिंबल नहीं है वीआईपी का, वीआईपी बहुत सारे सिंबल हैं, एस्कॉर्ट पायलट की गाड़ी जा रही वो भी सिंबल है, हवाई अड्डे के ऊपर उनको सिक्योरिटी के से गुजरना वो भी एक सिंबल है, उनको हर चीज़ में प्रेफरेंस देना वो भी एक सिंबल है, जैसे आप दिखा रहे थे कि भाई उनको कैंटीन में खाना भी फ्री मिलता है, सॉरी कंसेशन रेट पे मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ सिंबॉलिक चीज़ें बहुत सारी हैं, तो वीआईपी कल्चर का हटाना लाल बत्ती हटाने से ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे अभी वशिष्ठ जी कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी 10 साल तक लाल बत्ती नहीं, अरे मैं मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर वशिष्ठ, उस समय तो एक महारानी थी, उनके दामाद उसमें दौड़ कर रहे हैं, पार्क में दौड़ कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, एकदम मुझे किसी ने बताया कि वो बच्चे खेल रहे थे, एकदम वो 10-12 कमांडो दड़बड़ करते भाग गए, बच्चे भाग लिए कि हमला हो गया, हमला हो गया, तो ये इस तरह की जो नॉनसेंस चीज़ें थी ना,
ये अलग चीज़ें हैं, आप बत्ती हटा दीजिए मत हटाइए, लेकिन जो एसेंशियल चीज़ें हैं लोगों के मन में एक दहशत, एक रुतबा, एक रौब और एक बड़प्पन का जो एहसास कराया जा रहा था कि हम इनसे बड़े हैं, हम इनसे अलग हैं, हम राज वर्ग हैं, उसका हटाया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। लाल बत्ती हटेगी, ठीक है, हट रही है, प्रधानमंत्री के दे हट रही है, ठीक है, वशिष्ठ जी ने कि 3 साल लगेंगे ये सोचने में कि हम लाल बत्ती हटाएं या ना हटाएं। लाल बत्ती हट गई, लेकिन फिर भी अगर 14 गाड़ियां आगे जा रही, 14 पीछे आ रही, उससे क्या फ़र्क पड़ गया? एक लाल बत्ती कुछ नहीं कहती, लाल बत्ती एक छोटा सिंबल है, उससे ज़्यादा वो सिंबल हैं जिनकी वजह से वो लोग ये एहसास कराते हैं कि हम आम आदमी से ऊपर हैं, हम कानून से ऊपर हैं, या कानून केवल मात्र हमारे प्रोटेक्शन के लिए है और हमारी सुख सुविधाओं के लिए। तो मेरा मतलब ये है कि कानून भी बनाएं, लाल बत्ती के साथ साथ वीआईपी कल्चर, वीआईपी सोच, आम आदमी से बड़प्पन का एहसास कराना, ये हटाया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पूर्व आईजी रणवीर शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर जानकारी पर आपका। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, आपकी आवाज़ मिल रही है सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि वीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर जो कदम लाल बत्ती हटाने से शुरू हुआ है, क्या इस कदम के बाद और भी आगे सफर तय करना बाकी है? अभी तो बहुत काम करना बाकी है मेरे भाई, बहुत काम करना है। ये पहला स्टेप, इसको तो हम सबको अप्रिशिएट करना ही चाहिए, बहुत अच्छा स्टेप है प्रधानमंत्री जी का। लेकिन अब जो एक्चुअल काम है जी, वो है हमारा पावर का डिसेंट्रलाइज करने का। ये जो वीआईपी कल्चर है, लाल बत्ती से काम नहीं चलेगा, अभी उनके पास पावर है सारी की सारी जी। जो भारत के संविधान में 73वां संशोधन हुआ, 74वां संशोधन हुआ, जिसमें गांव में गांव की सरकार बना दी है, शहर में शहर की सरकार बना दी है, उन्हें फैसला लेने का अधिकार दे दिया गया है। लेकिन पिछले 25 साल से बलवंत राय कमेटी की 1992 में रिपोर्ट आई और 94 वो लागू हुई, लेकिन आज तक हमारी पंचायत संस्थाओं को, ग्राम सभाओं को अधिकार नहीं दिए फैसला लेने का, और ना ही वार्ड सभाओं के दिए। जब इनको फैसला लेने का अधिकार मिलेगा तो ये लोग अपने प्रतिनिधियों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे। जिस दिन ये फिक्स होगी उस दिन ये वीआईपी कल्चर खत्म होगा, क्योंकि हर नेता को ये पता चलेगा कि मुझे ग्राम सभा जहां से मैंने वोट लिया है उनको हिसाब देना है अपने वोट का, कि हमें जो काम बताए वो हमने काम किए कि नहीं किए। जब लोगों में ये जागरूकता हम लाएंगे, ये जागरूकता का अभियान सरकारों से चलेगा जी, कि अब हमने अपनी पावर डिसेंट्रलाइज कर दी है, ग्राम सभाओं को जो 73वें संशोधन में बिल्कुल स्पष्ट तौर से लिखा है, वार्ड सभाओं को शहर में, तो ये वीआईपी कल्चर धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा और लोग पब्लिक सर्वेंट की भूमिका में आ जाएंगे। जो हमारे नेता हमसे वोट लेते हैं, धारा 21 सी हमारी आईपी बड़ी क्लियर है, जो भी सरकार की ट्रेजरी से पैसा लेता है अच्छा रणवीर शर्मा जी, जनता का नौकर है, ये फैक्ट है। रणवीर शर्मा जी, एक और सवाल भी है कि क्या वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए जो ये कदम उठाया गया है, रौब रुतबे की जो कहानी है, क्या इसमें अगला स्टेप और क्या उठना चाहिए? हालांकि सफर बहुत लंबा है, लेकिन अगला स्टेप क्या होना चाहिए इसी के समानांतर? अगला सत्र फौरी प्रधानमंत्री जी को, जो राज्य सरकारें हैं, एटलीस्ट जहां जाएंगी बीजेपी की सरकारें हैं, उन राज्य सरकारों को बोले कि 73वें संशोधन को पूर्ण तौर से लागू कर दें। उसको अधूरे तौर पे लागू किया गया है, क्योंकि निर्णय लेने की पावर अभी भी डिप्टी कमिश्नर के पास है और नेता के पास है। जो निर्णय लेने की पावर अब नीचे दे देंगे तो ये वीआईपी कल्चर खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। फिर ठीक है रणवीर जी, एक सवाल और आपसे, 70 साल कमोबेश हो गए इस एक फैसले को लेने में, उम्मीद क्या जाता है और कितने वर्ष लग जाएंगे आगे, जो चीजें आपके दिमाग में हैं या हमारे बाकी पैनलिस्ट के सोच में है, आगे कितना वक्त और लगेगा सर? अब इसमें समय नहीं लगेगा, लोग बहुत जागरूक हैं। इन लोगों ने जो फूट डाल करके राज करने की व्यवस्था बना रखी है और उन्हीं अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को ले रखा है, उन्हें इन्हें बदलना पड़ेगा। हमारी 5000 साल से जो भाईचारे की व्यवस्था थी, निर्णय लेने की व्यवस्था थी, उनकी मान्यताएं थी हमारे समाज में, उन्हें अब कानूनी तौर से नहीं 73वें संशोधन के तहत देना पड़ेगा। लोग लगातार इस बात पे आ रहे हैं कि हम कौन है, हमारा वोट है, सरकार बनती है, हमारा टैक्स है, उस सरकार चलती है, तो अब हम भीख नहीं मांगेंगे तुम्हारे से किसी चीज की, चाहे वो ग्रांट हो और चाहे हमारी न्याय की व्यवस्था हो। ठीक है, हम भीख मांगने के लिए नहीं है, हम मालिक बनने के रूप में है। भारत के संविधान में हमें डीडीपी पर अंतर कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश जरूर की गई है। महिपाल जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अभी तक
वीआईपी कल्चर खत्म करने की दिशा में जो कदम है, जैसे कि पंजाब की तरफ से कदम उठाया गया, तो ऐसे में क्या उन जगहों पर, उन राज्यों में जहां पर वीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर या फिर लालबत्ती हटाने को लेकर जो फैसला लिया गया, उसके बाद क्या स्थिति है? क्या आज भी विधायक मंत्री उन फैसलों को मान रहे हैं, या फिर देखा जाए तो कई बार देखा जाता है कि हम भी सड़कों पर जब गुजरते हैं तो पीछे से सायरन बजाकर, चाहे वो कोई नेता ना भी हो तो भी सायरन बजाकर निकल जाता है। देखो तो, शुभेंदु जी, दो बातें हैं। अभी अभी जैसे कि आज ही फैसला हुआ, कल ही फैसला हुआ है कि 1 मई से लागू होगा, और आज ही उसकी उस दिशा में लोगों ने कदम उठाने शुरू कर दिए, जैसे आप सामने देख रहे हैं हरियाणा के मंत्री खुद, चाहे पब्लिसिटी स्टंट ही हो कि वो खुद उतार रहे हैं गाड़ी से, चाहे वो अपने ड्राइवर को भी कह सकते थे, और ड्राइवर की ड्यूटी होती है वो उतारना या चढ़ाना, झंडा भी वही उतारते चढ़ाते हैं, ये ठीक है, फोटोजेनिक चेहरे हैं कुछ, वो इसलिए अपना फोटो बार बार उतरवाते हैं। ये भी एक वीआईपी कल्चर है, फोटो दिखाना भी एक वीआईपी कल्चर है कि देखो मैं ही काम कर रहा हूँ, ये दिखाना कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं खुद उतार रहा हूँ, ये ईगो है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे अभी रणवीर शर्मा जी कह रहे थे, ये भी एक कदम है, ये ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड पावर है, ग्राम सभा को मजबूत करना है, लोकल बॉडीज़ को मजबूत करना है, उनको उनके अधिकार देने हैं, एक गांव का सरपंच, उसके पास तो कोई अख्तियारात नहीं है, उसके कहने से कोई काम नहीं होता, वो तो अपने बीडीओ के सामने, यहाँ तक अपने ग्राम सचिव के सामने, पंचायत अफसर के सामने एक लाचार और बेसहारा सा व्यक्ति होता है कि मेरे गांव की गलियां पकड़ाने के लिए प्रपोजल दे दी मैंने, फिर मेरा ग्राम सचिव देखेगा, फिर उसका पंचायत अफसर देखेगा, फिर बीडीओ देखेगा, फिर डीडीपीओ देखेगा, फिर डीसी देखेगा, फिर चंडीगढ़ जाएगी, फिर 5 साल के बाद वो फाइल वापस आ जाएगी कि बजट नहीं था इसलिए नहीं हो सकता। दूसरी तरफ एक MLA होता है, वो MLA जाके मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होता है कि मेरे हल्के में फलां फलां गाँव का यहाँ पक्की करा दो, मुख्यमंत्री वहीं घोषणा करता है 5-5 लाख सब गाँव को दे दो। ये जो डिफरेंस है, ये जो रुतबा है, ये जो रौब है जी, इसको ख़त्म करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो हैं विधायक या सरकार, हम आम आदमी से ऊपर हैं, हम राजा हैं, हम पर जाके सेवक नहीं है। देखिए एक बहुत पहले बात आया करती, छोटे से ब्रेक के लिए माफी के साथ रुकना चाहूंगा महिपाल जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, तो इन्हीं पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए और क्या ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जो कि देशहित में या फिर सरकार, नेताओं और आम लोगों के बीच की दूरी को कम कर सके। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।